हमारी यात्रा हरदोई से लेकर केदारनाथ तक की है और आप देख रहे हैं केदारनाथ पार्ट टू। पार्ट वन देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी हम हैं सीतापुर में और हमें जाना है सोनप्रयाग, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, और वो भी जाएंगे हम पैदल, और वहाँ से हमें गौरीकुंड के लिए गाड़ी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। ये है वो रूम जहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। ये रूम था सीतापुर में। और ये हमारे साथ में थे सब लोग। आपका नाम? माय नेम इज गोविंदा, दिल्ली। अच्छा, और आप भैया कहाँ से? भैया कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? क्या है भैया, वीडियो क्यों बना रहे हो हमारे भैया? हमें वीडियो मतलब भैया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम भी पुलिस वाले को बता देंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तैयार हो गए हैं हम लोग सब लोग और यात्रा शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी भीड़ जो है लगी हुई है यहाँ से, मतलब गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और बहुत सारे लोग अभी जा चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और यात्रा शुरू करने वाले हैं। सामने आप लोग चाय की टपरी पे देख सकते हो, तो काफी सारे लोग चाय वगैरह पीने के लिए रुके हुए हैं। और हम रूम में हैं और रूम ठीक ठाक था, 1200 रुपये में 4 लोगों का, और 300 डिवाइड हो गया एक पर्सन का 300 में। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, मेडिकल भी था सामने ही और भी बहुत सारी चीजें थी। सुबह का बज रहा है 3:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि अभी हम हैं सीतापुर में और अभी हमको कुछ देर लगेगी जाने में। तो तब तक वेट कर सकते हैं आप। हम अभी निकलने वाले हैं यहाँ से और हमने स्वेटर भी पहन लिया है। ठंड लग रही थी, स्वेटर पहन लिया है, अभी सामने निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है और साथ में गाड़ियाँ बहुत ज्यादा हैं, लोगों से ज्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। सड़क पर बहुत सारे लोग लाठी या डंडा वगैरह बेच रहे होंगे, आपको वहाँ पे खरीद लेना है क्योंकि आगे चल के आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि चढ़ाई आगे बहुत ज्यादा होने वाली है। तो भाई जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, यहाँ पे होटल भी काफी अच्छे आ रहे हैं और यहाँ पे भी एक होटल है और ये इधर भी लिखा हुआ है यात्रा मंगलमय हो। और यहाँ से शहर से गाड़ी मिलेंगी जो भी है, कुछ पता तो नहीं है कंफर्म, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोनप्रयाग और हम लोग सोनप्रयाग में एंट्री कर चुके हैं। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद हमारा जो टारगेट था वो था गौरीकुंड, और गौरीकुंड से पहले ही हमें दिखी सोनप्रयाग में 1.5 किलोमीटर की लाइन, जो कि हमें लग रहा था कि ये टैक्सी की होगी, लेकिन हम लोग जब आगे गए तो वहाँ पे लकीली कोई लाइन थी ही नहीं। आई डोंट नो यहाँ पर लोग खड़े ही क्यों थे, और जैसे मैं खड़ा हो गया वैसे वो भी खड़े होंगे शायद। और अभी यहाँ पे हमारी चेकिंग होगी जो पास है हमारे पास, और उसको चेक कराने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गौरीकुंड से पहले लगभग 1/2 किलोमीटर पहले उतार दिया जाएगा, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा सकती है, तो अभी हम लोग पैदल चलने वाले हैं। तो अभी गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल गौरीकुंड पहुंचेंगे, उसके बाद जाएंगे। गाइस, यहां पे लिखा है केदारनाथ 16 किलोमीटर, और यहां से स्टार्ट होगी यात्रा पैदल की, और जो भी होगा देखते हैं। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये जा रही है गौरीकुंड, जहाँ से हम लोग स्नान करके यात्रा शुरू करेंगे। और कहा जाता है कि ये गौरीकुंड का जो कुंड है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जहाँ अगर आप पहली बार पैर रखते हैं तो आपके पैर जल भी सकते हैं, वहाँ का पानी इतना ज़्यादा गर्म है। इस वजह से अभी आप उठा सकते हैं झरने का लुत्फ़, तो अभी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। अभी जो आप कुंड देख रहे हैं यही है गौरीकुंड, और अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है, गर्म है क्या है, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या माहौल रहने वाला है इसके अंदर। तो चलिए नहा के आते हैं। सो गाइस, हम लोग स्नान कर चुके हैं अभी और हमारे साथी लोग स्नान कर रहे हैं, और वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, इतना ज़्यादा गर्म पानी है, हाथ जल रहे हैं इतने ज़्यादा, और धुआं आप लोग देख ही रहे हो, चलो पता चल ही रहा है कितना गर्म पानी है ये। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, कपड़े पहन लेते हैं उसके बाद। गाइस, हम लोग नहा चुके हैं और ये सब लोग
और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, यात्रा शुरू करने वाले हैं, पैदल यात्रा, और जो कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर की होने वाली है। अभी हम लोग गौरीकुंड में हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं, और ये कुंड बहुत ज्यादा गर्म है, आप लोगों को बता दूं मैं, इतना ज्यादा कि पैर पहली बार डालोगे तो जल जाओगे, और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, मतलब 10-5 मिनट तक उसमें रहो तो सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो फिर भी अगर पानी डालते हो तो लगता है बहुत शरीर में। और इसका मान्यता वगैरह तो मुझे नहीं पता, बाकी बढ़िया जगह है ये, यहाँ पे आप आओ स्नान कर लो, पूरे दिन की थकावट चली जाएगी, नींद चली जाएगी, उसके बाद आप ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हो यात्रा का, और 18 किलोमीटर जो भी पैदल यात्रा है उसको कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद आराम से जा सकते हो एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जा रहे हैं, और उधर जो है लेडीजों का है, इधर जेंट्स का है। भाई कैसा लग रहा है पानी वहाँ का? पवित्र पानी है, गरम पवित्र पानी है। 40 बहुत बढ़िया है। साबुन में नहीं नहाना चाहिए, बाकी कैसे भी नहाओ आप, साबुन शैम्पू ना लगाओ, बाकी बढ़िया तरीके से नहाओ। गाइस हम लोगों की जो यात्रा है चालू हो चुकी है, यहाँ पे एक तरफ पत्थर चल रहा है और एक तरफ मैं हम लोग सब लोग चल रहे हैं, और सही है अभी तो सही लग रहा है, बाकी रास्ते में देखते हैं कितनी कठिनाई आती है और कैसा कैसा व्यू आता है। आगे गेट लगा है श्री केदारनाथ यात्रा 2023। यहाँ से बर्फ दिखने लगा है पहाड़ों का, और अभी आपको दिखाया होगा वीडियो में, बहुत मस्त सीन लग रहा है, ये पहाड़ भी सीज रहे हैं, पानी निकल रहा है इसमें से ये सारे। तो गाइस एक और विनती करनी थी कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो घोड़े वगैरह ना लो, जिससे उनको दिक्कत होती है यार, और उनका तो काम ही है वो करेंगे ही, तुमको अगर लेना है तो हेलीकॉप्टर से आ जाओ या फिर पैदल चले जाओ, अगर पेरेंट्स को लेके आ रहे हो हेलीकॉप्टर से जाओ, घोड़े से मत जाओ। तो गाइस ये देखो एक अंकल जी जा रहे हैं, इतनी एज होते हुए भी चढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ थक रहे हैं भाई साहब, क्या ही हालत खराब हो रही है। अरे लाठी जरूर लेके आना, इससे बहुत ज्यादा सहारा मिलता है, क्या ना कहीं कहीं पे चाला है तो इस वजह से इससे फंसा लेते हैं ना गड्ढों में, तो पैर फिसलते नहीं है, इस वजह से आप डंडा जरूर ले लें, 30-40 रुपए का मिल जाएगा। गर्मी भी भरपूर लग रही है, गर्मी लग रही है, मेरे सब दिन रात सुनहरे, अंदर हो रही है, बाहर ठंडी लग रही है, अंदर हवा लग रही है, ऊपर हवा लग रही है, अंदर गर्मी लग रही है। तो गाइस भैया एक और यूट्यूबर भैया मिले, अपने चैनल का नाम बता दो। ट्रैक राइडर करके नाम है, ट्रिक राइडर करके नाम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सर्च करके, नया नया चैनल है सपोर्ट करो,
और हमें भी सपोर्ट करो, ज्यादा वीडियो महाराष्ट्र के मिलेंगे। हम ये भैया महाराष्ट्र में रहते हैं, जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो देख सकते हैं इनके चैनल को, और भी सब लोग भी देख सकते हैं क्योंकि आपको भी समझ आ जाएगा। बारिश धीरे धीरे होने लगी, मेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये बारिश से बचने के लिए मैंने ले लिया, अभी तो बैग वगैरह कुछ नहीं भीजेगा। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बीच में भी बहुत तेज हो गई थी, अब थोड़ी कम हो गई, अब कंटिन्यू चलना है क्योंकि बारिश का भी जुगाड़ हो गया अपने पास। भाई ये बट्टे में खरीद लिया मैंने, 150 रुपए वेस्ट हो गए, काम आ जाएगा कभी घर पे। हाँ ये तो है, तो क्या आज नहीं कल काम ही आएगा, पैसा थोड़ी वेस्ट हो गया। कोई चीज लिया, सारी चढ़ाई हो चुकी है, अभी लगभग 8 किलोमीटर बचा है, थोड़ा बहुत उसको भी चढ़ जाएंगे थोड़ी देर में। बहुत पैर दर्द करने लग गए, लगभग 8 किलोमीटर या 8.5 होगा जो भी है, और बाकी तो चढ़ के आए हैं। ये जो दिख रहा है ना पीछे, वो सारा पीछे छोड़ के आए, लगभग 7-8 किलोमीटर बोर्ड में लिखा था वही मैंने आपको बताया। तो गाइस अभी भी 3-4 किलोमीटर बचा है, शॉर्टकट मार रहे हैं अभी तो, और पता नहीं कोई बता रहा है 3 किलोमीटर, कोई बता रहा है 4 किलोमीटर। सही है पर मजा आ रहा है चढ़ने में। ये देखो कहाँ से आया हूँ, जहाँ से आया हूँ वो पहाड़ भी नहीं दिख रहा। गाइस अभी बेस कैंप से लगभग 1 किलोमीटर है, वहाँ पे बोर्ड लग रखा है 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं उसमें, और जो मेन मंदिर है वो 2.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं। और काफी देर से हम लोग चल रहे हैं, सुबह 4 बजे से निकले थे, और जहाँ से हम लोग पैदल यात्रा शुरू की वहाँ से लगभग लगभग तो 20-25-30 किलोमीटर हो गया होगा, अंदाजा भी नहीं है कितना चले हैं, किलोमीटर पे भरोसा मत करो। फिर भी ये जो बोर्ड है लाल वाले यही सच दिखा रहे हैं, क्योंकि गूगल मैप पे भी यही दिखा रहा है। और मेरे साथी लोग पता नहीं कहाँ हैं, 3-4 लोग और थे, कोई पता नहीं भाई, अभी जा रहे हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो आप लोग गेट देख रहे हो यहीं से शुरू होता है केदारनाथ के अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ से अंदर जाने पर आपको काफ़ी सारे टेंट दिखेंगे, कम से कम 1000 से 2000 तक टेंट यहाँ पर दिखेंगे। और इनका जो प्राइस है एक टेंट का जिसपे 4 लोग आते हैं उसका प्राइस मिनिमम 2000 रुपये है, अगर सिंगल पर्सन हो, अगर पूरा टेंट लेना चाहते हो तो 2000 का पड़ेगा। और यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर का व्यू है वो कुछ अलग ही है जो कि आप लोग देख सकते हो। और हाँ आपको मैं बता दूं यहाँ का रूम का किराया बहुत ज्यादा है, लगभग 10,000 से भी ज्यादा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग मंदिर पास पहुँचने वाले हैं, लगभग 500 या 1 किलोमीटर होगा, 500 मीटर या 1 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा। और काफी देर हम लोग चल रहे हैं, और इतनी देर हो गई क्या बताऊँ आपको, पूरी हालत खराब हो गई पूरी। और एक और ब्लॉगर मिले थे आपको बताई है वीडियो में, दोनों लोगों की हालत खराब हो गई, टेढ़े टेढ़े कर करके चल रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई भी है, कहीं बताऊँ 20 वाली पानी की बोतल 80 रुपये में, अभी तो पता नहीं 80 में मिलेगी या 100 में मिलेगी, कोई पता नहीं भाई, आगे देखते हैं कितने में क्या मिलता है। तो हम लोग अभी मंदिर के सामने जस्ट पहुँचे ही हैं, और ऐसा लग रहा है कि सारी टेंशन दिमाग से गायब हो चुकी है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ही जगह पे आ गए, और ऐसा ऑरा लग रहा है जैसे हम लोग भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग मंदिर चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, मंदिर दिखाते हैं कि और कैसा है, क्योंकि ये सस्ता डिवाइस आपको क्या ही दिखा पाएगा, इतनी सुंदरता इस फ़ोन में कैप्चर भी नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, यहाँ जाकर हमें सारा फ़र्क नज़र आ गया, अभी आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और हम
लोग भी दर्शन करने आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएंगे। हम लोग कल ही करने वाले हैं, और पहले हम लोग रहने का देखते हैं क्या है। और जिन लोगों के साथ में मैं आया था वो लोग तो पता नहीं कहाँ हैं, आ रहे होंगे, उनका इंतजार करते हैं, वो मिलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और तब तक के लिए जय भोला। आप भी दर्शन कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी गेट खुले हैं, देखते हैं, और जो भी आपको पता चलता रहेगा। हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं आज, और नई नई रील डालेंगे, आप लोग जाके देख लेना, जाके इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने आपको दे ही दिया है, और फेसबुक पे भी देख लेना। आप हर जगह मुझे फॉलो कर लो, जहाँ जहाँ आपको देखने हो, दर्शन करने हो। बाकी ये दर्शन तो मैंने आपको करा ही दिए, बाकी अंदर के तो नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि क्या है ना, अंदर करने नहीं देते, अंदर मना कर रखा है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है, कुछ नहीं करने दे सकते। अगली सुबह, सुबह 3:30 बजे हैं अभी, तो यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है, और यहाँ पर पानी मिलता है गर्म, जो कि एक बाल्टी का प्राइस है 150 रुपये, और जिसमें लगभग 20 लीटर पानी होता है। आप लोग यहाँ से ले सकते हो, नहा सकते हो। मेरे दोस्त ने नहाया, मैंने भी नहाया, तो यहाँ से पानी ले सकते हो। कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए हैं, अब हमको चलना है प्रसाद लेके मंदिर पर। अभी लगभग सुबह के 3:30 बजे हैं, और अभी का टेम्परेचर जो है लगभग 1.5 डिग्री है, और हम अपने दूसरे फ़ोन से शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला फ़ोन था जिसमें स्टेबलाइजेशन था वो अभी डेड हो चुका है, क्योंकि उसमें बैटरी का प्रॉब्लम है, तो बार बार चार्जिंग पे लगाने पर वो बार बार स्विच ऑफ हो ही जा रहा है। तो इसमें, इस फ़ोन से जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, इस वजह से जो फुटेज है वो बहुत ज़्यादा शेकी फुटेज आ रही है। तो गाइज़ अभी प्रसाद लिया है, और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने के लिए, और ठंड बहुत तेज है, बहुत भाई साहब, 8 डिग्री लग रहा है, बहुत जो यहाँ से टेम्परेचर मैंने देखा था उतना ही है भाई। ये हमारा लास्ट टाइम था जब हमने मंदिर में जाते हुए फोटो निकाला था, और हाँ, हम लोग सुबह से 3 बजे से लगे हुए थे, 6:30 बजे हमें एंट्री मिली, और अभी हम लोग मंदिर में एंट्री करने वाले हैं। बस इसके बाद हमने 5 मिनट बाद एंट्री की, और उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए। केदारनाथ के दर्शन हो गए हैं, और मेरा जो पूरा गेटअप है बहुत बेकार लग रहा है, कि कुछ भी नहीं, कंघा वगैरह कुछ नहीं था, तेल वगैरह कुछ नहीं था, और बहुत बेकार हालत हो गई है। मुँह है इस वजह से, और मुँह पूरा कटा हुआ है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।